अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम BS-17 का 2015 का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, जो 2015 में आया था PPSC उर्दू का सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का। आज हम इसमें सॉल्व करेंगे। इसी तरह अगर आपको और नई PPSC उर्दू टेस्ट से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर लिखें अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलेगी और आपकी उर्दू टेस्ट की अच्छी तरीके से तैयारी हो जाएगी। ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है जिनके पास बुक नहीं है। तो आज हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। PPSC उर्दू टेस्ट प्रिपरेशन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1947 की सदारत किसने की? फजलुर रहमान ने। पाकिस्तान में नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का पहली बार इनेकाद कब हुआ? 1951 में। पंजाब यूनिवर्सिटी इल्म आगाही का मौकर इदारा, इसका क्याम कब अमल में आया? 1882 में। पोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता का क्याम कब अमल में आया? 10 जुलाई 1800 को। पहले पहल तालीमी इदारों के इंस्पेक्शन का क्या तरीक़ाकार अपनाया गया? कहाँ अपनाया गया? बरतानिया में। डायरेक्टरेट ऑफ स्टाफ डिवेलपमेंट DSD का एब्रीवेशन है का क्या काम है? स्टाफ की ट्रेनिंग। माहिर मज़मून में ये काबिलियत होनी चाहिए कि निसाब तैयार करवा सके, अपना निसाब पढ़ा सके, नज़्म व ज़ब्त बरकरार रख सके, या उनमें ये सारी खूबियाँ होनी चाहिए? इसका सही आंसर है इस सबका हामिल होना चाहिए। ये तीनों खूबियाँ माहिर मज़मून में होनी चाहिए। पंजाब में स्कूल एजुकेशन किसकी ज़िम्मेदारी है? यूनियन काउंसिल की, तहसील की, इसका सही जवाब है ज़िला की। पाकिस्तान में हायर सेकेंडरी स्कूल सिस्टम का निफाज कब अमल में आया? इसका सही जवाब है 1886 और 1987। तलबा अपना ज़्यादातर वक्त गुजारना पसंद करते हैं कहाँ? इसका सही जवाब है हमजोलियों के साथ। पाकिस्तान में सेकेंडरी एजुकेशन का आगाज़ 9वें दर्जे से होता है, ये कितने अरसे पर मुहित है? इसका सही जवाब है 2 साल। हमारे मुल्क में तालीम की जुमला अमूर की ज़िम्मेदारी किसकी है? उसका सही जवाब है सूबाई हुकूमत। हमारे मुल्क में तालीम के जुमला अमूर की ज़िम्मेदारी किसकी है? सूबाई हुकूमत की। तलबा की शख्सी शादी में किस अमर को ज़्यादा तरजीह जाती है? हमनसाबी सरगर्मियों में। एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिनरी रूल्स के मुताबिक मुलाजिम की कौन सी सज़ा सबसे कम तरीन है? वार्निंग जारी करना, सबसे पहले वार्निंग जारी की जाती है। हंसी वसारत सेंस ऑफ सीइंग के जरिए इल्म का हासिल किस तरह किया जा सकता है? 75% यानी 75%। स्कूल की बज़्म अदब की सरगर्मियों का शुमार किस में होता है? हमनसाबी सरगर्मियाँ। तदरीसी उर्दू के मौसर तरीन तरीका तदरीस लेक्चर प्लस मुशाहिदा, इसका सही जवाब है। पाकिस्तान में उर्दू ज़बान के लिखने के लिए बिलअमूम कौन सा रस्म ख़त पसंद और इस्तेमाल किया जाता है? इसका सही जवाब है नस्तालिक। किस मुल्क के वज़ीर आज़म ने कहा हम गूंगे नहीं हम ज़ुबान रखते हैं इसमें गुफ्तगू करें? किसने कहा? इसका सही जवाब है इनमें से कोई भी नहीं। इन में से कौन सा तस्वुर तदरीसी मावनात में शुमार नहीं होता? मुबाहिसा। निसाब साजी का ज़िम्मेदार कौन है? इसका सही जवाब है महकमा सूबाई महकमा तालीम। ज़ुबान सीखने के लिए मौसर तरीन तालीमी निज़ाम कौन सा है? रस्मी निज़ाम तालीम। निसाब से क्या मुराद है? तालीमी इदारे की अंदरूनी और बैरूनी इल्मी सरगर्मियाँ, इसका सही जवाब। क्लास की तदरीस के दौरान समी और बसरी मुआवनात के इस्तेमाल से सीखने के अमल में बेहतरी पैदा होती है, यानी क्लास की डेकोरेशन के बारे में बताया जा रहा है। तालीमी निगरानी के जदीद तस्वुर का मफहूम इसाज़ा को मौसर तदरीस के लिए रहनुमाई देता है। औस पढ़ना मुहावरा है, इसका मफहूम? इसका सही जवाब है मायूसी की हालत। बुरा फरोख्ता इस मुहावरा है, इसका मतलब गुस्से में भरा हुआ। जुआ उतारना मुहावरा है, इसका मतलब आज़ाद होना। खफीफ होना उर्दू मुहावरा है, ये किन मानों में इस्तेमाल होता है? शर्मिंदा होना। दुकान बढ़ाना उर्दू मुहावरा है, ये किन मानों में इस्तेमाल होता है? इसका सही जवाब है दुकान बंद करना। इसके बाद है तहसीलें तहसीलुल बलागत इल्मुल बयान बदी में इल्मुल बयान बदी में पर मरूफ तसनीफ है, इसके मुसन्निफ़ का नाम मोहम्मद सज्जाद मिर्ज़ा बेग। इल्मुल बयान बदी के मौजू पर मशहूर किताब बहरुल फसाहत किसकी तसनीफ़ है? नजमुल
वनी। इसका सही जवाब है काया पलट और प्यारी दुनिया, किसके नावल है? अजीज़ अहमद। इमाम बश्क नासिक ने किस जुबान के अल्फाज शायरी जुबान से खारिज कर दिए? हिंदी। लाजिम था कि देखो मेरा रास्ता कोई दिन और, किस शायर की मर्जी का मिसरा है? मिर्ज़ा गालिब। इसके बाद है आगा हशर काश्मीरी की आखिरी आरामगा किस शहर में है? इसका सही जवाब है लाहौर। लिसानुल अकबर इलाहाबादी पर पीएचडी का मुकाला किसने लिखा? इसका सही जवाब है डॉक्टर तहसीन रॉकी ने। इसकी बात है पीटीवी के मारूफ ड्रामे अंधेरा उजाला के मुसन्निफ कौन है? यूनुस जावेद। का सही जवाब दख्ती ताहसन का ताल्लुक किस सनफ अदब से है? इसका सही जवाब है शायरी। मजलिस तरक्की अदब लाहौर के मौजूदा नाजिम का नाम तहसीन फराकी। मर्सिया किस जुबान का लफ्ज़ है? इसमें से कोई भी नहीं। पाकिस्तान में उर्दू को कौमी और सरकारी दफ्तरी जुबान के तौर पर नाफिज़ करने का तारीख साज फैसला सुप्रीम कोर्ट के किस जस्टिस का था? इसका सही जवाब है जस्टिस जवाहर एस ख्वाजा। उर्दू लुगत बोर्ड का दफ्तर पाकिस्तान के किस शहर में है? कराची में। इसकी बात है हफ्त रोज हफ्त पेकर किस का अफसानवी मजमू है? हफ्ती जलंधरी। तहकीकी जाविये किस यूनिवर्सिटी का मैगजीन है? इसका सही जवाब है अल खैर यूनिवर्सिटी भंबर आज़ाद कश्मीर। इसकी बात है यानी लेकिन गुमान और शायर जैत शीरी मजमू का खालिक कौन है? जून एलिया। माह तमाम किस शायरा की कुलियात का नाम है? परवीन शाकर। घुंघरू टूट गए किस शायर की आबीती है? कतील शाह कतील शफाई। महमूद हाशमी की किताब कश्मीर उदास है इसका ताल्लुक किस सनफ से है? इसका ताल्लुक है रिपोर्ट तार। इसके बाद है मशहूर नायता कसीदुल उमिया किस शायर की तख्लीक है? मोहसिन काकोर रवि। दश्ते सूद किसका लिखा नावल है? बानो कुदसिया जमील हाशमी खतीजा मस्तूर और अल्ताफ फातमा। सही जवाब है खतीजा मस्तूर। कई चांद थे सरे आसमान शमसुर रहमान फारूकी का शाहकार नावल, नावल का अनवान किस शायर का मिसरा है? अहमद मुश्ताक। रोशनाई किसकी तसनीफ है? इसका सही जवाब है सज्जाद जहीर। मारूफ नावल निगार अब्दुल्ला हुसैन की वफात हसरत अया 2015 की किस तारीख को हुई? 4 जुलाई को। इसकी बात रोजगार फ़कीर अलामा इकबाल की किस नौयत का की निगार शायद का मजमूआ है? मलफूजात। हमारी जो ये वीडियो है अभी हम 55 MCQs पर पहुँचे हैं, ये हमारी 100 MCQs की वीडियो है। अगर इस तरह की इंफॉर्मेटिव और वीडियो चाहिए आपको तो वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सबसे पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, आपको हर नई आने वाली इस तरह की वीडियो मिलेंगी। कुलियाती मीरा जी को किसने मुर्तब किया? डॉक्टर जमील जालबी ने। सज्जाद बाकर रिज़वी के पहले मजमूए कलाम तीसरा लफ्ज़ का दिवाजा किस मारूफ शायर ने लिखा? नासिर काज़मी ने। इलामा इकबाल की मारूफ नज़म बुढ़े बलोच की नसीहत बेटे को किस मजमूए में शामिल है? इसका सही जवाब है अरमगाने हिजाज। इसकी बात है इलामा इकबाल की तवील नज़म तुलुए इस्लाम इनके किस मजमूए में शामिल है? बांगे दरा। इसके बाद मौलाना हाली के ख्याल में सबसे कारआम सनफ सखन कौन सी है? मसनवी। इलामा इकबाल ने अपनी मंजुमात में किस सनफ सखन को सबसे ज़्यादा बता? इनमें से कोई भी नहीं। इसके बाद हसरत मोहानी को कौन सी सनफ नज़म से ज़्यादा मरहूब थी? गज़ल। दमीमा जात के अलावा कुलियाती हसर कितने पर मुश्तमिल है? 12। इस किस सनफ नसर की ज़बान गज़ल से करीब तर है? इंशाइया। मौलाना हाली ने कहा हुआ फातमा उर्दू के अदब का इस मिसरे से ये बाहिसाब जुमल 1823 का साल बर आमद होता है, ये किस मारूफ इंशा परदास की तारीख वफात है? इसका सही जवाब है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। मौलाना हाली की अजीम तसनीफ जावेद पहली बार कब शाया हुई? का सही जवाब है 1901 में। जो रही सो बेखबर रही किस शायरा की आबीती है? अदा जाफरी।
ये बाजी इश्क की बाजी है, किसकी आबीती है? फरहंदा बुखारी की। ए हज़ाले शब मारूफ नावल है, नावल निगार कौन है? इसका सही आंसर है मुस्तनसर हुसैन तारड़। इसका सही आंसर है। इसके बाद है फरहंग आमरा को किसने मर्तब किया? इसका सही जवाब है वारिस सर हिंदी ने। 2012 में मजलिस तरक्की अदब लाहौर ने डॉक्टर जमील जालबी की किताब तारीख और अदब उर्दू की कौन सी जख्म जिल्द शाया की? चौथी जिल्द। कलमात यगाना को किसने मर्तब किया? मुशफिक ख्वाजा। सही जवाब इसका। मौलाना हरीम हलीमुल शर के शहर आफाक नावल फिर दो से बरी की दास्तान का मौजू फुरका बादनिया की तहरीर। उर्दू शायरी अदब में बैब व कसीदा नगारी और हुजू गोई के हवाले से किस शायर का नाम सरफहरिस्त है? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सूदा। हफीज जैलुंद्री ने शाहनामा इस्लाम में किस सनफे सफन को बरता? इसका सही जवाब है मसनवी। उर्दू की पहली समाउमरी किससे शुमार किया जाता है? इसका सही जवाब है हयात सादी। मुजाज का असल नाम इसरारुल हक। नून मीम राशिद का आखिरी मजमूआ कलाम गुमान का मुमकिन। सनफे कसीदा में सबसे पहले कौन सा फ़नी अंसर लाया जाता है? तशबीब। किस शायर के किसी मिसरे या शेर को अपने कलाम में दाखिल या जज्बा करने की इस्तलाह को क्या कहते हैं? इसका है तज़मीम। अंजुमन पंजाब के सरपरस्ते आला कौन है? इसका सही जवाब है डॉक्टर लाइटनर। गज़ल नीम वहशी सनफ़ सखन ये कौल किसका मारूफ निकाद है? कलीमुद्दीन अहमद। मज़ाहिया शायर अनवर मसूद किस ज़ुबान के उस्ताद थे? फ़ारसी ज़ुबान के। कलाम में ज़ाहरी हुस्न जमाल महबूब के खुदोखाल के बयान करने के लिए शहरी इस्तलाह फारजियत। नज़्म व नसर में अजनबी नामानोस और अनोखे अल्फाज मुहावरात के इस्तेमाल को कहते हैं गुराबत। इसका सही जवाब है गुराबत। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर गज़ल के आखिरी शेर में शायर का तख़ल्लुस मौजूद ना हो तो उसको क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है आखिरी शेर। मशरिक़ी तमद्दुन का आखिरी नमूना गुज़िश्ता लखनऊ उर्दू में उमरानियात सोशियोलॉजी की पहली किताब है। इसके मुसन्निफ़ अब्दुल हलीम शर। दोहा हिंदी सन की नज़म है, इन सन में नज़म है जो उर्दू में भी राइज है। इसमें कुल कितने शेर होते हैं? फ़कत एक। शायर कश्मीर के लकब से कौन मुलक्किब है? मोहम्मद दीन फोक। मौलाना मोहम्मद जाफिर था नैसरी की किताब काला पानी का ताल्लुक किस सनफ़ नसर से है? इनमें से कोई जवाब दुरुस्त नहीं। अलामा इकबाल अपने आप को किस हस्ती का मानवी शागिर्द कहने में फ़ख्र महसूस करते हैं? सही जवाब है मौलाना रूम। ए मौजदे बयान फसीहुल लिसान कदरदान के उठ जाने से अब ज़िंदगी का कुछ लुत्फ बाकी नहीं रहा, अब ऐसा जी कमाल पैदा ना होगा। मीर अनीस की वफात पर यह जुमला किसने कहा? मिर्ज़ा दबीर। कागज़ की फूल सर पर सजा कर चली हया, निकली बैरून शहर तो बारिश ने आ लिया, ये मशहूर शेर किस की तख्लीक है? जफर इकबाल। कल सुबह के मतला ताबा से जब आलम का नूर हुआ, सब चांद सितारे मान हुए, खुर्शीद का नूर ज़हूर हुआ, ये शेर नज़म का अवलिन शेर है। इस नज़म के खालिक कौन है? इसका सही जवाब है चौधरी खुशी मोहम्मद नाजिर। इसकी बात है गुब्बारे आलूदाए रंगो नस्ब हैं बालों पर तेरे, तू ऐ मुर्ग उड़ने से पहले पुरफशां हो जा। इस शेर में कौन सी संत इस्तेमाल हुई है? मरातुन नज़ीर। इलाही बर्क गैरत की तड़प मुझको अता कर दे, मुझे आतिश देर पा को आतिश नवा कर दे। इसका सही जवाब है ये शेर किसकी तख्लीक है? मौलाना जफर अली खां। इसकी बात है अब जहां आफ्ताब में हम हैं यहां कबू सरो गुल के साए थे, किस इसके ये इस शेर में किस जगह का जिक्र हुआ है? इस शेर में किस जगह का जिक्र हुआ है? इसका सही जवाब है दिल्ली। इसके बाद 98 क्वेश्चन हमारा, नाला का शिराज का बुलबुल हुआ बगदाद पर, दाग रोया खून के आंसू जहां आबाद पर। इसका सही जवाब है शेख सादी।
सवाल नंबर 98 के शेर में जहां आबाद से कौन सी जगह मुराद है? दिल्ली। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। इसका सही जवाब है मौलाना मोहम्मद अली जौहर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे वीडियोस को शेयर करें ताकि जिनके पास बुक नहीं है वो भी अपनी PPSC की अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। ओके, अल्लाह हाफिज़।